ढक अच्छे से दिया है मेरा, बिल्कुल बराबर का ढक्कन है। और भाप बोल रहा है बिरयानी को, अरे हमारा खुशबू के साथ बिल्कुल महक एकदम बाहर तक आ रहा है। फोन वेलकम टू ब्लॉग, स्वागत है फिर से आज मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। तो मैं सूरज गुप्ता आपको स्वागत करता हूँ सूरज ब्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो मेरे ब्लॉग को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए आज का हमारा सिस्टम ऐसा है कि आज हम लोग सोचे हैं कुछ, पेट तो मेरा खराब था लेकिन अभी भी खराब है, लेकिन हमने सोचा है कि अभी ही खाएंगे। तो आज हमारा प्रोग्राम है कि आज हम बनाएंगे बिरयानी। तो हमारा बिरयानी का सारी तैयारी हो चुकी है, तो चलिए आपको दिखाते हैं बिरयानी का हम अपना तैयारी और कैसे कैसे बनाएंगे, तो आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं बालक सारी चीज़ों की तैयारी कर चुका है बिरयानी का, बनाने का आइटमों का। तो चलिए आपको एक एक करके सारे आइटम दिखाते हैं कि हमने क्या क्या डालने वाले हैं बिरयानी में। तो आज हम बहुत ही मस्त यूनिक तरीके से बिरयानी बनाने वाले हैं। हमने नए तरीके से बिल्कुल ही बिरयानी जो बालक ने बनाया है नए तरीके से, उसमें हर चीज़ पनीर ऐड होगा, आलू ऐड करेंगे हम लोग, सोयाबीन ऐड करेंगे, और भी तीन चार आइटम हैं जो ऐड करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं बिल्कुल मस्त वाली बिरयानी। तो अलग अभी प्याज काट रहा है और टमाटर ले लिया काटने के लिए, पहले ये काट लेता है, उसके बाद आपको दिखाते हैं अपने आइटम है जो जो आइटम हमने डालने वाले हैं। तो प्याज काट ले दीजिए पहले, तो बालक आपको बताएगा कि क्या क्या डालना है बिरयानी के अंदर में आइटम है। तो बालक अभी कुछ निकाल रहा है उसके अंदर से, उसके बाद स्टार्ट करेगा आपको क्या क्या डालना है, सारी चीज़ें अपना डिटेल में बताएगा उसने। बताओ अलग, पहले तो ना हमने पनीर को ना फ्राई करके रख लिया है, और आलू को भी फ्राई करके रखा है, सोयाबीन को ऐसे ही भूंजा है, और जो प्याज के लच्छे होते हैं ना उसको हमने बिल्कुल रेड कर लिया ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। ये ना हमारा मटर, हमने चावल उबाल के पहले से ही रख लिया है, दही है, और ये हमारे कुछ चॉप किए हुए सब्जियां हैं जो हम तड़के में डालेंगे। ठीक है, आसान तरीके से हम बनाएंगे। देखिए पहले हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, तेल मैंने बहुत पहले से ही गर्म कर रखा था क्योंकि चिपक जाते हैं ना सब्जियाँ, इसलिए तेल पूरा गर्म होना चाहिए। इसके बाद हम मिर्च डालेंगे और प्याज डालेंगे, दो मिनट भूनेंगे। तब तक हमारा प्याज भून जा रहा है, तब तक मैं आपको आइटमें नज़दीक से दिखाता हूँ क्या क्या डलाएंगे इसके अंदर में। तो सबसे पहले हमने ले लिया चावल जो इंडिया गेट है, हमने पका लिया है पहले ही, जीरा राइस करा बना लिया है इसको। तो ये रहा हमारा दही, ये मटर, ये है पनीर, आलू, और ये है भुना हुआ प्याज और सोयाबीन। और अभी बालक अभी डालने जा रहा है इसके अंदर मसाले, लहसुन का पेस्ट डाल रहा है इसके अंदर में। इसमें कोई भी हैवी मसाला नहीं डालेंगे, इसमें बस हल्दी, नमक और एमडीएच का मसाला डालेंगे। अब इसमें बालक कुछ ऐड कर रहा है, हल्दी है मतलब आधा चम्मच से भी कम है, और नमक एक चम्मच है। ये बालक ऐड कर रहा है हल्दी, नमक। तो हल्दी में नहीं ऐड करती हूँ, आज मैंने ऐड कर दिया क्योंकि आज मैं कलर ऐड नहीं करने वाली हूँ। जब मैं कलर ऐड करती हूँ तो हल्दी ऐड नहीं करती हूँ। और थोड़ा सा मैगी मसाला डालेंगे, थोड़ा सा मैगी मसाला टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए। और ये हमारा एमडीएच, और ये हमारा मेन बिरयानी मसाला, बिरयानी चक्कर में हम कोई मसाला नहीं डालते हैं। देख लीजिए मैं कितना डाल रही हूँ, मैं एक चम्मच बिरयानी मसाला एक चम्मच से ज्यादा नहीं डाल रहा, एक चम्मच के लगभग डाल रहा है। मीट मसाला बिल्कुल हल्का सा, एमडीएच थोड़ा सा हैवी नहीं लगता है, थोड़ा सा एकदम पानी होता बट कलर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा हमने देगी मिर्च भी डाल, ऐसा हो गया हमारा मसाला, मसाले का कलर बिल्कुल ही आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटोरी, एक कटोरी दही, लेकिन ये कटोरी बहुत बड़ा है, इतना दही हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम बना दो ही लोगों के ले रहे हैं बिरयानी, तो इतना काफ़ी है। दही मैंने डाल दिया, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया। अगर मसाला भून के दही डालेंगे तो ठीक है, बिना भुने में दही डालेंगे तो बहुत गंदा आता है फ्लेवर। मटर भी मैंने डाल दिया क्योंकि मटर तो अच्छे ही लगते हैं चावल में। रही बात ये रही, हमारे पनीर भी जाएंगे, अब ये मेरे आलू, और ये सोयाबीन जो कि बहुत ज़रूरी है खाने के लिए लोगों के। मटर अब हम टमाटर खड़े खड़े ही डालेंगे क्योंकि वो दम जब लगाएंगे तो अपने आप ही हो जाता है बराबर। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं एक साथ। ये बहुत थोड़ा सा अजीनोमोटो भी डाल रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा इसमें चाइनीज भी फ्लेवर ऐड करना चाह रहे हैं।
इतना हेल्दी है तो कोई बात नहीं, इतना डालने से कुछ नहीं होता है। और थोड़ा सा ही हम इसमें विनेगर डाल रहे हैं। विनेगर तो ऐसे कुछ नुकसान नहीं करता है, अजीनोमोटो थोड़ा नुकसान करता है, बट इतना घर का बनाया इतना हेल्दी है तो इतना कुछ टेंशन नहीं है। और ये रहा हमारा कस्तूरी मेथी, हमें धनिया मिला नहीं, मैंने सोचा कस्तूरी मेथी भी डाल देते हैं, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स चावल जो है वो डाल देती हूँ, क्योंकि इसके बिना तो बिरयानी अधूरा ही है। तो मैंने इसको अच्छे से डाल दिया, मैंने इसको उबाला था से 1/3, पूरा नहीं पकने दिया था, 1% इसमें कच्चा ही रह गया है ये। अब मैं इसमें अच्छे से इसको चला दूँगी, ऐसे तो चलाते नहीं, एक लेयर चावल का रहना चाहिए, एक लेयर मसाले का, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं अभी अच्छे से चला देती हूँ। तो देख लीजिए बिरयानी मिक्स हो रहा है हमारा अभी भी, प्याज में अच्छे से इसमें डाल दे रही हूँ, भुना हुआ प्याज, और इसको मैं ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए धीमी आंच पे छोड़ दूंगी। ऊपर से हमने डाल दिया है इसके अंदर प्याज, तो आप देख लीजिए। और इसके लिए अब हम इसको दम करने के लिए छोड़ देंगे ढक के थोड़ी देर के लिए, ताकि ये दम हो जाए और बिरयानी अंदर से बिल्कुल मस्त तैयार हो जाए। मैंने इसको ढक अच्छे से दिया है, मेरा बिल्कुल बराबर का ढक्कन है, और भाप बाहर निकले इसलिए देखिए मैं इस पे सिलबट्टा का ये रख रही हूँ, पूरा भारी है। बहुत लोग आटा लगाते हैं पर उसमें आटा बहुत वेस्ट हो जाता है, मैं भी कभी कभी लगाती हूँ, पर आज मेरा मन नहीं था कि मैं कुछ वेस्ट करूँ। ठीक है, ये इससे भी दम अच्छा से इसमें आ जाएगा और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब हम वेट करते हैं 10 मिनट ताकि हमारा बिरयानी तैयार होके मस्ती से एकदम आ जाए, और फिर उसके बाद हम खाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि मजा आ जाएगा। बिल्कुल सब चीज हेल्दी है उसके अंदर, आपने देखेंगे क्या क्या पड़ा है, पनीर, सोयाबीन, आलू, सारी चीजें जितनी भी सामान है सब हेल्दी हेल्दी पड़े हैं उसके अंदर। तो हम वेट करते हैं 10 मिनट, फिर आपको दिखाते हैं बिरयानी का एकदम मस्त सा खुशबू। तो चलिए अब चलते हैं बिरयानी की तरफ, टाइम हो गया, खोलते हैं बिरयानी को और दिखाते हैं आपको। तो बालक खोल रहा है बिरयानी को, तो आप देखिए बिल्कुल ही ये देख लीजिए बिरयानी बिल्कुल ही एकदम लाजवाब तरीके से तैयार है हमारा, खुशबू के साथ बिल्कुल। महक एकदम बाहर तक आ रहा है, फोन में महक जाएगा नहीं, फोन में महक नहीं जा सकता, लेकिन जिसको भी खाना है कमेंट जरूर करना, मैं आप लोगों को रेसिपी पूरा अच्छे से बताऊंगी, और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो मैं फाइनल कहती हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपने देख लिया हमारा लाजवाब बिरयानी तैयार है, तो हमने थोड़ा सा खा लिए और हमने थोड़ा सा पैक भी कर लिए। तो चलिए हम दुकान पहुँच के आपको दिखाते हैं। तो मैं दुकान आ चुका हूँ, बाला का दुकान खोल भी दिया, वो बैठ गया है, बैठ के अपना रील देख रहा है, तब तक मैंने कपड़ा कपड़ा सारा लगा दिया हूँ। अब चलता हूँ मैं अपने दुकान में, तो अपने दुकान में जाके देखता हूँ ग्राहकों का आज क्या सिस्टम है। टाइम तो है कि पैसे मिलने वाला, पर देखते हैं जाके क्या सिस्टम चल रहा है अपना। तो मैं दुकान से घर आ चुका हूँ बिल्कुल ही, तो आप देख सकते हैं अब बस रात का खाना खाना बाकी है, तो रात का खाना खा के चलते हैं सोते हैं। तो आपको दिखाते हैं रात को हम लोग क्या क्या खाने में रखे हुए हैं। तो रात का ऐसा है कि रोटी है हमारे पास, हमने बना लिया बैंगन का भाजा, और सुबह वाला थोड़ा सा हमारा पनीर का भुजरी भी है, और साथ में हम लोग लाए हैं पनीर चिल्ली, जो पनीर चिल्ली खाएंगे रात को, क्योंकि खाना बनाने का मूड नहीं था उतना ज़्यादा, इसीलिए हमने सिर्फ रोटी बना ली है, बाकी पनीर चिल्ली आ गया बाहर से। तो आप देख सकते हैं, देखिए हमारा पनीर चिल्ली, तो यही हम खाएंगे और खाकर सोएंगे अब। तो चलिए आज का ब्लॉग इसी के साथ समाप्त करते हैं, तो आप भी खाइए और सो जाइए, हम भी जा रहे हैं खाने और सोने। तो गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।